ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका स्वागत है। और अभी एक घंटे पहले जो है आया हूँ यहाँ वापस घर पे, विवेक रेसिडेंसी आ गया हूँ। और आँखों को यकीन नहीं हो रहा था देख के कि सारा पानी सच में निकल चुका है। देख सकते हैं ये अर्नव है, अभी अभी आया है होटल से और स्नान करके पूरा फ्रेश हो चुका है और अभी लेट रहा है इस वक्त। और आज कृष्णाष्टमी है तो मेरे सभी दोस्तों को कृष्णाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो बाबू है हमारा अर्णव, कृष्ण भगवान बनने वाला है। बने रहना आप लोग इस कृष्णाष्टमी के ब्लॉग में, जो भी कुछ होता है वो सारा कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो बने रहना इस ब्लॉग में आप लोग, मज़ा आ जाएगा मेरे ख्याल से इस ब्लॉग में आप लोगों को। शिल्पा, अरे सुनोगी? कृष्णाष्टमी मना रही हो आज? मुझे नहीं पता, मैं पहली बार जन्माष्टमी में सोसाइटी में हूँ, आप ही बताओगे। आप 8 साल मतलब से रह रहे हो। नहीं तो पूजा वूजा करोगी ना रात में? हाँ पूजा तो करेंगे जरूर, कृष्ण भगवान का। हाँ वही पूछे थे। तो फास्ट भी की हो, व्रत भी की हो? नहीं, हम लोगों का व्रत नहीं होता है। अच्छा व्रत नहीं होता है। कितने बजे रात में पूजा होगा उनका भगवान का? 12 बजे रात में ना। ओके, मेरे सभी दोस्तों को और प्यारे भाइयों बहनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ए गाइस, गुड इवनिंग। देख सकते हैं हमारा कृष्ण कन्हैया जो है अभी तैयार हो रहा है। अरे वाह, देख रहे हैं स्माइल दे रहा है आप लोगों को, रेडी हो रहा है अभी। देख रहे हैं बांसुरी वांसुरी सब कुछ है, टीका वीका करना बाकी है शायद, वो सब कर लेते। सृष्टि है वो राधा बनने वाली है, मिलाते हैं वन बाय वन करके। नीचे जो है ना सोसाइटी में, मतलब वहाँ भी पूजा हो रही है तो वहाँ भी चलेंगे और वहाँ भी दिखाएंगे सारा कुछ। शाम के 7 बज रहे हैं दोस्तों और देख सकते हैं कितना मस्त फ्रेश मौसम है। और जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट, एक छोटा सा काम है मार्केट में, और फिर वहाँ से आते हैं तो जो पूजा हो रही है बिल्डिंग के नीचे में, वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को, दर्शन करवाएंगे भगवान से। अभी भी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन रोड गीली है और मैंने देखा भी था गली से तो हो रही थी बारिश। अंधेरा हुआ नहीं है पूरे तरीके से बट होने को है। और यहाँ पे देख सकते हैं रघुवीर मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट। और इस तरफ जो है वो श्याम संगनी है, थोड़ा सा काम था इधर का इसलिए आ गया। दोस्तों आज जन्माष्टमी है तो मैं अपनी सभी दोस्तों को, मेरे प्यारे भाइयों बहनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और मैं प्रार्थना करूँगा भगवान से कि भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे और जो भी आपका टारगेट हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, उसे पाने में हमेशा आपका साथ दे, आपको आपके हौसले को हमेशा बनाए रखे। दोस्तों एक बात है जो काफ़ी अजीब सा लगता है, आप सोच सकते हैं कल रात तक जो है सोसाइटी में पानी भरा हुआ था पूरा, 4 दिन 5 दिन हो गए थे बाढ़ आए हुए और पूरा चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी भरा हुआ था। और सडनली आज सुबह में जो है वो सारा पानी निकल चुका था। पता नहीं मुझे, एक तरीका से कोइंसिडेंस कह सकते हैं इसको या चमत्कार कह सकते हैं, कुछ भी पता नहीं। क्योंकि बिल्डिंग के नीचे में जो है हम लोग हर साल कृष्णाष्टमी सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग यही सोच रहे थे कि इस बार कैसे हो पाएगा, बाढ़ आ जाने के कारण जो है वो पूरा पानी पानी है, पूरा सोसाइटी के चारों तरफ जो है वो पानी पानी था। तो हम लोग सोच रहे थे पता नहीं इस बार हो पाएगा भी या नहीं, बट सडनली जो है सुबह में सारा पानी निकल गया। और हैरानी होगी आप लोगों को भी जानकर कि इस वक्त अभी आप जाइएगा वहाँ पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाढ़ आया था या कुछ, ऐसा लगेगा कि कुछ पानी आया ही नहीं था, कुछ फ्लड आया ही नहीं था, कुछ बाढ़ आया ही नहीं था, पूरा एकदम नॉर्मल सिचुएशन नज़र आएगा आपको। मैं जाता हूँ वापस तो फिर वहाँ का नज़ारा भी दिखाता हूँ आप लोगों को, बने रहना व्लॉग में दोस्तों, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। ठीक है, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आ गया हूँ सोसाइटी में और यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कृष्णाष्टमी। वंस अगेन हैप्पी कृष्णाष्टमी टू ऑल माय फ्रेंड्स। और वहाँ पे मूर्ति है बट मूर्ति जो है उसका दर्शन हम लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है ना उनके मुख से जो कपड़ा है वो 12 बजे रात में हटाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि 12 बजे रात में जो है वो कृष्ण भगवान का जन्म होता है। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं आप डेकोरेशन का काम चल रहा है, भाई लोग लगे हुए हैं डेकोरेट करने में। दोस्तों सोच सकते हैं कल जो है वो पूरा पानी पानी भरा हुआ था यहाँ पे, पूरा जो है नीचे जो है
पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा था, पानी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, बट चमत्कार कह सकते हैं या क्या पता नहीं, मेरे नज़रों में तो शायद चमत्कार ही कहेंगे। और सडनली आज मॉर्निंग में जाकर जो है वो सारा पानी चला गया, मतलब चार दिन पाँच दिन से थोड़ा सा भी पानी कम नहीं हो रहा था। और आज कृष्णाष्टमी थी, तो कल हम लोग सोच रहे थे कि कैसे कृष्णाष्टमी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ऐसे माहौल में, क्योंकि पूरा सोसाइटी के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। आज मॉर्निंग में जो है वो सारा पानी निकल गया यहाँ से, और देख सकते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं कृष्णाष्टमी, जैसे कि लग रहा है कुछ था ही नहीं, एकदम नॉर्मल था, ना पानी आया था ना बाढ़ आया था ना कुछ। तो फिर जाते हैं ऊपर, और देखते हैं उस टाइम बाद आप लोगों से बने हैं ना आप लोग कृष्णाष्टमी के ब्लॉग में, जो कि काफ़ी प्यारा सा ब्लॉग बनने जा रहा है। आई होप फैमिली का ब्लॉग भी मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देखने देख कर ये ब्लॉग, और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को ये ब्लॉग देख कर। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद, बने हैं ना आप लोग कृष्णाष्टमी के ब्लॉग में। दोस्तों जिसके नाम में ही कृष्ण हो उसे किसी और पहचान की ज़रूरत क्या है, ये है हमारा कृष्ण। वैसे हर्ष भी बोलते हैं हम लोग और कृष्णा भी बोलते हैं। और इस तरफ जो है ये भांजी है, ये बनी थी राधा रानी और इसका नाम सृष्टि है। चलते हैं और फिर से नीचे की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। आ गए ये देखो दोस्तों, बाबू अर्णव एक बार फिर से तैयार हो चुका है। अरे वाह क्या नज़ारा है, क्या मस्त लग रहा है, सच्ची सच्ची का कृष्ण भगवान लग रहा है, क्या बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ हर्ष भी आ गया, मेरा क्यूट सा बच्चा भांजा। हेलो हेलो हेलो, हर्ष भी यहाँ पे आ गया, कान्हा बन गए, रेडी है यहाँ पे। कैसे आप लोग, एक बार फिर से आ गए नीचे और इस वक्त जो है वो भजन चल रहा है यहाँ पे। हर्ष भी आ गया है, अर्णव भी आ गया है, कृष्णा बन गया है दोनों जन, दिखाते हैं अभी आपको और सारा सीन दिखाते हैं क्या चल रहा है नीचे। ये देखिए दोस्तों ये रहा अर्णव, ओए कृष्णा ओए कन्हैया, यहाँ पे देख सकते हैं सामने मोहित बैठा हुआ है। गाइस वंस अगेन वेलकम बैक। और उस टाइम मैं गया था नीचे तो भजन चल रही थी और मैंने आनंद लिया कुछ टाइम तक भजन का, और फिर मैं उसके बाद ऊपर आ गया था क्योंकि मुझे 12 बजे फिर से जाना था, क्योंकि जितने भी भक्त जन और श्रद्धालु हैं भगवान कृष्ण के सभी 12 बजे बजने का इंतज़ार करते हैं, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ठीक 12 बजे जो है वो भगवान का जन्म होता है कृष्ण भगवान का, और उनके मुख पे जो पर्दा होता है उसको हटाया जाता है। पहले हम लोग गाँव में मनाते थे तो वहाँ पर 2 दिन होता था जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी, और वहाँ पे मेला वेला सब कुछ लगता था। जो सेलिब्रेशन का तरीका है मुझे वहाँ यहाँ से बेटर लगा, पर बाकी सिटी में मटके वटके फोड़े जाते हैं ये सब देखने में भी और अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग सीन होते हैं वो सब। बने रहो आप व्लॉग में क्योंकि जो मेन सीन है वो तो बाकी ही है। मैं चलता हूँ नीचे की तरफ और मिलते हैं नीचे। वेलकम बैक। और 12 बजे में कुछ ही देर बाकी है अब, और आ गए हैं नीचे, देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। और कुछ देर बाद जो है भगवान का मुख जो है वो दिखाया जाएगा, और बिनुका का अंदर खड़े हैं। भगवान जन्म ले चुके हैं आज, और आरती चल रही है यहाँ पे। इसी पल के लिए जो है सब लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, सभी भक्तजन इंतजार कर रहे थे, सभी श्रद्धालु भक्त इंतजार कर रहे थे, और मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वाह दिल खुश हो गया।
दर्शन करके। ये देखो दोस्तों कितनी ज्यादा भीड़ जमा हो चुकी है यहाँ पे, सब जो है भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए, मैंने तो दर्शन कर लिया और सभी लोग यहाँ पे उत्सुक है श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। कृष्णाष्टमी का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और अगर आप नए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और अगर अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखें।